उस बहन बेटी का जुबान पर नाम है सबसे पहले, और जो इज्जत वाली बनी फिरे थी, ठेकेदार हो रहे थे हमारी इज्जत का ना सोचा, वो कुतिया बनी फिरे, वो इज्जत गली मांडाज। परमात्मा कहते हैं बीबी पड़द रहे थी, डोडी लगे थी बार, इब गा तो गाड़े फिरती हो बने कुतिया बाजार। नक बेसर नक पर बनी पह रहे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। अब उस बहन का यह बात बहुत खटकेगी, और पुण्यात्मा होती है जब तक उनको ये ज्ञान नहीं सुनने को मिलता है तभी तक दबी रहती है। अब उसने उसी दिन कहा बहन मैं नाम लेकर आऊंगी, उसके साथ चलेगी परमात्मा कबीर जी से यानी परमेश्वर से नाम लिया, संत से उपदेश ले लिया। तो फिर जैसे ज्यादातर आपको सत्संग में किस लिए बुलाया जाता है, आप एक दूसरे से भी बहुत कुछ ग्रहण करते हो, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, तो आप जी के अंदर भी उमंग होती है मैं भी कुछ अपना हाथ से या कुछ शुभ कर्म करूं, कोई दान करूं, इस तरह की क्रियाएं यहीं सीखी जाती हैं। सत्संग में किस लिए बुलाया जाता है, आप एक दूसरे से भी बहुत कुछ ग्रहण करते हो, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, तो आप जी के अंदर भी उमंग होती है मैं भी कुछ अपना हाथ से या कुछ शुभ कर्म करूं, कोई दान करूं, इस तरह की क्रियाएं यहीं सीखी जाती हैं। जब उस बहन को पता चला कि साधु संत भक्तों को भोजन खिलाने का बहुत पुण्य होता है, उसके भी प्रेरणा हुई कि मैं भी एक दिन का भंडारा करूं, तो उसने सभी से कहा कि बहन मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भी गुरुदेव का भोजन करवा दूँ। लेकिन किसी ने नहीं कहा दिया कि नहीं बहन हमारा तो नंबर मुश्किल से आवे है, हम तो अपना समय नहीं दे सकते हैं। अब जिस बहन ने उसको नाम दिलवाया था उसने कहा बहन जी कल मेरा नंबर है, और आप न्यों करियो शाम का भोजन आप करा दियो और सुबह का मैं करा दियो, आपको भी पुण्य मिल जाएगा, मेरा भी ना गाना होगी। उस बहन ने बड़ी खुशी मनाई, और 5-7 दिन के बाद उसका नंबर आया था वो, तो उसने बड़ी खुशी के साथ भोजन बनाया, तैयार किया, अच्छी खीर खार बना के सुंदर भोजन तैयार किया। और क्या हुआ कि उस बहन के इतना भयंकर जबरदस्त जबर हो गया, उस पर 10 कदम नहीं चला जा। अब उस बहन ने सोची कि भगवान देख मेरी किसी माड़ी किस्मत, आज मुश्किल से 3 नंबर मिला और शाम का समय हो गया और सभी बहन चली गई होंगी, अब मैं और ये भोजन क्योंकि मेरा जिम्मा ला रखी और उन्होंने बनाया नहीं होगा और गुरुदेव आज भूखे सोएंगे, मैं जा नहीं सकती, लड़का मेरा निकम्मा वो कहे कि मानने को नहीं। इतने में क्या हुआ, वो लड़का आ गया, उसने अपने बेटे से कहा बेटा मेरा एक काम कर दे तू। क्या? कि मेरा ये मैंने भोजन बनाया है मेरे गुरुदेव के लिए, और बेटा मेरा देख बुखार बहुत जोर का हो गया, मैं चल नहीं सकती। लड़के ने अपनी माँ का हाथ देखा कि सचमुच माता जी बहुत जोर है आपके, थे तो बेटा ये भोजन तू वहाँ दिया आश्रम में। लड़का बोला मैं ना जाऊँ वहाँ पर, चक्कर के था वो लड़का, तो वैसे तो निकम्मा था ये, वो लड़का चोरी करने लग गया एक गिरोह के साथ, उसके साथियों के साथ, और उस दिन रात्रि में उन्होंने राजा के घर चोरी करने की ठान ली। उन्हें ये अपने आप मियाँ मिट्ठू बने वो कि अभी राजा रानियाँ के हार कोई कोई लाख रुपए के होते हैं, 1-1 लाख रुपए के होते हैं, और एक हार भी हाथ लग गया ना बस जीवन पीड़ा पार हो जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने रात्रि में राजा का चोरी करने का थोड़ा प्रोग्राम बना लिया, और सभी ने रात के 12 बजे एक मंदिर था बाहर सी जंगल में वहाँ इकट्ठा होने का निश्चय ले लिया। अब शाम के 8 बज रहे, लड़के ने सोचा 2 किलोमीटर जाऊँगा आऊँगा, 2 घंटे मेरे लगेंगे यहाँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ और
वो चोरी करने जावांगे वो माल मेरे हाथ ना लागे, वंचित ना रह जाऊँ। कहने लगा माता जी मेरे बस का कोनी, और दो चार और करड़ी करड़ी सुनाई कि तू वहाँ सत्संग में जाती है ना, जनता पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग गांव के, मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ता आपके बारे में, और मैं ना जाऊँ वहाँ भोजन देने के लिए। उस माँ ने हाथ जोड़ दिए, बेटा आज के बाद मैं तेरे से जिंदगी में काम नहीं कहूँगी, आज तो मेरा यूँ काम करती। सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे मुश्किल से हाथ जोड़ कर मैंने बेटा टर्न ली है, और फिर मुझे कभी टर्न नहीं मिलेगी। नो कह के वह माई बुरी तरह रोने लगी। अब लड़के ने सोचा रहे अभी तो 8 बजे होंगे, और चल क्यों माँ दुखी करी। कहने लगे ल्या कहा, उसने बांध कर रख रखा था, वो लेकर सारा भोजन और वो फटाफट स्पीड तो चल दिया। अब वहाँ पहुँचा तो महाराज जी स्नान करने जा रहे थे। अब वो लड़की जब जाती थी गुरुदेव के पास, एक अर्ज कराया करती है, परमात्मा मेरे बच्चे ने सुधार दो, कति कहे की मानता नहीं, पता नहीं कहाँ रहता है, ना काम करता, पैसे ले जाता है, खराब करता है, शराब पीण लग गया। महात्मा जी कहते थे बेटा आप भक्ति करते रहो, सुनेगा भगवान तेरी, अवश्य सुनता है, सबकी सुनता है, परमात्मा ही सब सुधार कर सकता है घर में, भक्ति करते रहना। अब जब वो लड़का देखा आश्रम में और भोजन लेकर आया है, और कह रहा कि मेरी माँ को बुखार हो गया, मैं भोजन ले आया हूँ गुरुजी को, बहुत गुरुजी कहाँ हैं, तो सब ने गुरुजी से जाके बताया गुरुजी उस रामों का लड़का आ रहा है, और आपने बड़ी सुनी, वह तो बहुत दुखी थी इस तय, और आज तो आपका भोजन लेकर आया है। अब महाराज जी नहा नूका आकर बैठा खाने के लिए, उसने महाराज जी ने सोचा कि ले थोड़ी देर इस बच्चे को कुछ ज्ञान दे दूं, आया है तो थोड़ी बहुत बात बता दूं, कुछ असर और पड़ेगा इसके। अब महात्मा जी कहने लगे बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तो कहने लगा बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, मैं तेरी शिक्षा सुनना आया। महात्मा ने सोची वह सचमुच नारायण कम्मा डांगर है। तो महाराज जी ने भोजन खा लिया और ठा कर वो बर्तन फटाफट, और उसने तो बहुत जल्दी स्पीड खींच दी, उसने तो 12 बजे का समय दिखा, रानियां के हार दिखे थे। रस्ते में उसका कांटा लग गया पैर में, और वो किक्कर की बबूल की सूल ऐसी लग गई, टूट गई अंदर ही। अगला कदम रखा नहीं गया उस पर, घर पर पहुंचा तो लंग करता हुआ कहीं कहीं पैर टेक रहा है, और आकर वो बर्तन पटक कर मारे अपनी माँ के पास कि गया था तेरे सत्संग में, तेरे गुरुजी के दर्शन करे, आज मेरा कांटा लग गया, आज तने जान दूँ निकल और ना मैं कदे जाऊँ हैं, और तू तो ऐसी बात बनाया करती, मेरे गुरुजी ऐसे हैं ऐसे हैं। अब उस माई ने सोचा हे भगवान देख मेरे किसे खोटे क्रम, हे परमात्मा इसका कांटा आज लगना था, अब यू ना मुझे जाने दे और ना आप जावे, देख किसी बात बिगड़ी, अपना सब्र करा, चल मालिक तेरी रजा जो आप करोगे वही आपकी रजा से होगा, मेरी के पार बसा। जैसा भी दुखी सुखी होकर उस बच्चे से कहा बेटा अब तो सुबह कांटा निकलवाएंगे, जैसा देसी ट्रीटमेंट होया करता, तेल तेल लगा के कोई गर्म गर्म बांध दिया रात में, और वो पड़ा पड़ा अपनी माँ को भूंडी अच्छी कह रहा है तने मेरा नाश कर दिया, आज पास कते नहीं जाऊँ, और वह बैठी बैठी रो रही है। अब क्या हुआ, उनके साथियों ने आध घंटा उसकी इंतजार करी, जाके राजा के चोरी करने लगे, वो पकड़ दिए, राजा के चोरी करना बड़का खेल था, वो पकड़ लिए तो महामंत्रियों ने सलाह दी राजा को कि हे भगवान ये इतने खूंखार अपराधी जब राजा को भी नहीं बख्शते, आम नागरिक को क्या समझेंगे, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा। राजा ने कह दिया कल शाम को 4 बजे, वो रात न पकड़े थे, अगाज शाम को 4 बजे इनको सूली चढ़ा दो, सूली पर तोड़ दो। सूली होती थी पहले एक चक्री सी होती थी, जैसे चाकी का पार्ट हुआ अगर लकड़ का, उसके नीचे से एक बहुत लंबा सरिया आर पार कर देते थे और उसको एंड पर खड़ा कर देते थे उस चक्री को ऐसे, और इसके ऊपर उस व्यक्ति को बांध देते थे, और उसको बांधने के बाद नीचे से एक स्प्रिंग किली से निकाल देते थे, वो अपने आप उस वजन में नीचे आता था,
वो आदमी के व्यक्ति के जिसको सजा दी जाती उसके नीचे से आर पार और सिर में के निकल जाती थी, वो तड़प तड़प के भुगत भुगत के मरता था, ऐसी सजा देते और जनता को और भयभीत करने के लिए कोई और भी कोई सिर ना उठा रहा हो चोर, तो पूरे नगर में घुमा दिए उनके काले मुंह करके और यहां पर लगा दिए पंपलेट और लिख दिया मैं चोर हूं, मैं चोर राजा के घर चोरी करता था। और उनसे पुलिस साथ साथ और एक विशेष प्रकार का कोई बैंड बाजा करता था और जनता को पता लग जाता था कि आज किसी को भयंकर सजा दी जाएगी और उसको सब जगह घुमाया जाता था। तो सभी देखने के लिए अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे नागरिक। तो उस माँ ने सुबह उसका काटा निकलवा दिया, पीड़ा में आराम हो गया था लड़के के। तो दोनों माँ बेटा बाहर आ गए कि आज किसको सजा मिलेगी। अब वो आए उसके मित्र साथ में पुलिस वाले, उनके गट्टियां में मारन लठे और उनसे कहें कि बोलो तुमने के जुर्म किया था। वो कह रहे हम चोर हैं, रात को राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी मत करना, आज हम 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे, हमने बहुत अपराध किया। अब उस लड़के का कलेजा धड़का, अकरे तेरा गजब हुई हो, आज मेरी भी मौत थी। अब वो आगे को चले गए, माँ अपने काम लाग गई, उसने जाके अपनी माँ के सीने से लग गया और बुरी तरह रोए। माँ ने कहा बेटा क्या हो गया, अब तो काटा भी तेरा नहीं दर्द कर रहा। वो कहने लगा माँ धन्य है तेरे गुरुजी और धन्य है तेरी आत्मा, आज तेने अपने बेटे की जान बचा दी, आज तेरा बेटा माता सूढ़ी टूटा हो और मेरी माँ फिर क्यों कर जीवा हो। मतलब उसका फिर ये याद आती है, हे माँ मेरा पिता नहीं था, मेरे को आज सूढ़ी टूट जाना था, मेरी मृत्यु हो जानी थी और आप कैसे जीवित रहती। अब वो नौका है कि बेटा तेरे को सूढ़ी कैसे टूट जाती, मेरा बेटा कौन सा चोर है। अखा माँ मैं चोर भी हो गया था। तो वो कहने लगी रे निकम्मे, मैं तेने सोचू थी तू तो शराब शराब का ऐब भी है, तू तो चोर भी हो गया था, खा मामा कति दुष्ट हो गया था, और अब मैं तेरे गुरुजी के पास चलूँगा और नाम लूँगा, वाह मैं माँ के साथ बहुत बुरी तरह रो रहा है। माँ लेगी उसने गुरुजी के चरणों में डाला, हे भगवान आज आपने मेरा बेटा बचा दिया, सारी कहानी बताई। तो परमात्मा कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूढ़ी हो, जो भाग्य में सूढ़ी हो वह कट्टी में टल जाए। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर साहब कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे सबके पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, अपने के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। हम यहाँ काल के लोक में महादुखी हैं, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। परमेश्वर कबीर जी याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद, ये सब संसार काल आहार है। इस काल भगवान को 21 ब्रह्मांड के स्वामी को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम एक जीवन में जितना भी आहार करते हैं और जितने भी हम व्यसन विकार करते हैं उन सब का सूक्ष्म अंश समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है स्वयं प्रज्वलित है और उसके ऊपर ये भून कर खाता है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं स्वीकार करता है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके